अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज 12th स्टैंडर्ड का एक टॉपिक जो है आपके सामने शेयर करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है करिकुलम, मीनिंग ऑफ करिकुलम। करिकुलम जिसको उर्दू में दर्सियात भी कहते हैं, जिसको निसाब भी कहते हैं, तो इसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। तो करिकुलम इज़ द एजेंडा आर द मास्टर प्लान। ये एक एजेंडा है, एक मास्टर प्लान है। एजेंडा होता है कि एक वो डॉक्यूमेंट जिसमें इंसान जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स जो है वो तय करता है, ताकि इंसान जो है उन ऑब्जेक्टिव्स को बिल्कुल मुकम्मल करके, उनको कैरी आउट करके, उनको अंजाम देते हुए मंजिल मकसूद तक पहुँचे, डेस्टिनेशन तक पहुँचे, अपने एम तक पहुँचे। इसी तरह मास्टर प्लान भी यही है। तो ये करिकुलम जो है, इट कंटेन्स या इट इज़ द एजेंडा और मास्टर प्लान ऑफ कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए डिसिप्लिन और सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट जो है, एक डिसिप्लिन जो है, उसमें क्या कंटेंट है, उसमें क्या मजामीन बिल्कुल हमें दरकार है सोसाइटी में, कम्युनिटी में, समाज में, इस दुनिया में, या सब्जेक्ट मैटर यानी कि उस डिसिप्लिन में क्या क्या, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत है, उसी को हम करिकुलम कहते हैं। एक चीज़ है यानी कि ये एक एजेंडा है, एक मास्टर प्लान है किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी डिसिप्लिन का, जिसमें उसके मजामीन जो है, उसका सब्जेक्ट मैटर यानी कि उस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से मजामीन, कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से कंसेप्ट्स, कौन कौन से टर्म्स पढ़ाने हमें बिल्कुल मतलूब और मकसूद होते हैं। और है कि करिकुलम में स्कूल जो है, ये सिर्फ तालीम और तालम का स्कूल ही नहीं है, इसमें हर किस्म की ट्रेनिंग, हर किस्म की तरबियत, ये आर्ट एंड क्राफ्ट की का भी स्कूल है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्कूल है, ये टेक्निकल का सिस्टम का स्कूल है, ये किसी किस्म का भी स्कूल है, और ये एकेडमिक स्कूल भी हो सकते हैं, यानी कि उनके भी करिकुलम हुआ करते हैं किसी भी डिसिप्लिन के या किसी भी स्कूल के, चाहे क्राफ्ट वर्क हो, चाहे कुछ और हो। इसी तरह है सोशल एनवायरनमेंट में हमें क्या क्या चीज़ें दरकार है, कौन कौन सी चीज़ें हमें मद्देनज़र रखनी पड़ती है, उसका भी करिकुलम बनता है। इसी तरह बायोटिक एंड एबायोटिक एनवायरनमेंट, जो हमारी जानदार दुनिया है, जो हमारी जानदार दुनिया है, इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, या जो हमारी एबायोटिक एनवायरनमेंट है जिसमें मिसाल हवा आता है जी, यानी कि एबायोटिक में तकरीबन जियोग्राफी यानी कि जिसमें हवा आता है, जिसमें बिल्कुल माउंटेन्स आते हैं, जिसमें हमारा टेम्परेचर आता है, जिसमें नदी नाले आते हैं, जिसमें बिल्कुल रेगिस्तान आते हैं, कोहसार आते हैं, ये सारी चीज़ों जो है, ये सारा कुछ इसमें एबायोटिक एनवायरनमेंट में आता है। इसमें हमारे मिनरल्स भी आते हैं, इसमें फॉसिल फ्यूल्स भी आते हैं। और है कि सोशल रिफॉर्मेशन, ये जो करिकुलम है कि हमारी सोशल रिफॉर्मेशन यानी कि हम सोशल सोसाइटी को, हम कम्युनिटी को कैसे रिफॉर्म करेंगे, इसको कैसे रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे, इसको एज सारी नाव किस तरह बिल्कुल इसको तामीर करेंगे, तो ये चीज़ें जो है ये करिकुलम में आती, ये इसका भी करिकुलम बनता है, यानी कि सोशल रिफॉर्मेशन कैसे हो, सोशल रिकन्स्ट्रक्शन कैसे हो। तो इसी तरह है कि और एक चीज़, इट इज़ जस्ट लाइक ए नेटवर्क ऑफ रोडवे विच एन एजुकेंट ट्रेवल्स टू रीच हिज आर हर डेस्टिनेशन। ये करिकुलम जो है, ये वो रास्ते हैं, ये वो पगडंडियाँ हैं, ये वो पेडेस्ट्रियन्स है, ये वो एलीवेज है, ये वो स्ट्रीट्स है, यानी कि ये रास्ते हैं जिनके ज़रिए से एक एजुकेंट, एक तालबे इल्म, एक बच्चा, एक स्टूडेंट, एक मुतलाशी जो है, जो ट्रैवल करता है, सफ़र करता है, ताकि वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचे, अपने मंजिल मकसूद तक
पहुँचे। ये नेटवर्क ऑफ रोडवेज है, यानी कि ये वो रास्ते हैं जिनके ज़रिए से इंसान जो है अपने मंजिल तक पहुँचता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? करिकुलम की। इसी तरह अब हम डेफिनेशन यानी कि इनकी तारीफ जो है, बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं, बहुत सारे बिल्कुल जो जीरक लोग हैं, इन्होंने क्या कहा है इस करिकुलम के बारे में, इस पर बातचीत करेंगे। रॉस का कहना है, करिकुलम इज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर कॉग्निटिव एफेक्टिव क्वानिटिव एक्टिविटीज। रॉस का मानना है ये एक वन टर्म है, अम्ब्रेला टर्म यानी कि वन वर्ड है, किसके लिए? कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ के लिए, एफेक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए, कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ के लिए। ये कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है, जिसमें हमारी हमारा फहम जो है डेवलप होता है, इंटेलेक्ट डेवलप होता है, हमारी कॉम्प्रिहेंशन डेवलप होती है, इसमें लैंग्वेजेस आती हैं, अर्थमेटिक आता है, लिटरेचर आता है, जो हम बिल्कुल जिसको अदब भी कहते हैं, इसी तरह है साइंस कहते हैं, और जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, वगैरह वगैरह जो है, जिससे हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाएगी। इसी तरह एफेक्टिव एक्टिविटीज़, ये एफेक्टिव एक्टिविटीज़ में आता है आर्ट, आता है इसमें किसी किस्म का आर्ट, आर्ट वर्क, और है कि म्यूज़िक इसमें आता है, पोइट्री आती है। इसी तरह कॉग्निटिव एक्टिविटीज़, इसमें बेसिक नीड्स जो है वो सारी आदि आती है। इसमें पहला है फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ के लिए इसका करिकुलम बनता है, एफेक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए इसका भी करिकुलम बनता है, इसी तरह कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ जो है इसका भी करिकुलम बनता है कि हम किस तरह, यानी कि इसको, ये कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ जो है इसको कहते हैं ब्रेड एंड बटर एम ऑफ लाइफ, ब्रेड एंड बटर एम ऑफ लाइफ, कि हम ब्रेड और बटर जो है किस तरह कमाएं, किस तरह अर्न करें, इसका भी करिकुलम बनता। और एक चीज़ है क्यूनिंग हम, इस इनका मानना है करिकुलम इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ ए टीचर टू कार्व ए स्टूडेंट टू कार्व एंड शेप ए स्टूडेंट डिज़ायरेबली, यानी कि मतलूब मकसूद अंदाज में एक बच्चे को शेप करना है, एक स्टूडेंट को शेप करना है, उसको तराशना है, यानी कि एक टूल है करिकुलम जो है, टूल है एक उस्ताद के हाथ में। यानी कि अगर एक संगतराश की बात करें, उसके हाथ में एक चिजल होता है जिसको हम छीनी कहते हैं, और एक हैमर होता है जिसके ज़रिए से वो एक पत्थर को तराशता है और उसको एक बेहतरीन जो है मूर्ति जो है बनाता है। इसी तरह एक उस्ताद जो है उस बच्चे को बिल्कुल अच्छी तरीके से तराशता है, उसके सोल में इल्म का बीज जो है वो बोता है, उसके सोल में मॉरल्टी बोता है, इसके उसके सोल में अच्छे अच्छे अतवार अच्छे आदात और अतवार जो है उनको ब्रॉडकास्ट करते हैं, उनको शो करते हैं, तो एक बच्चा जो है उसकी अच्छी शेप बन जाती है और वो एक अच्छा पर्सन बन जाता है। इसी तरह रविंद्रनाथ टैगोर जी, यानी कि गुरु जी जिसको कहते हैं, उनका मानना है कि करिकुलम कंसिस्ट ऑफ, इसमें सब्जेक्ट्स आते हैं, एक्टिविटीज़ आती हैं, ऑक्यूपेशन आते हैं, और एक्चुअल लिविंग यानी कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी हमारी है, जो एक्चुअल हकीकत में जो ज़िंदगी है, इसका भी करिकुलम है, एंड कम्युनिटी सर्विसेज, जो हम सोशल सर्विसेज करते हैं, जो हम समाज में खिदमत करते हैं लोगों की, वो सारा जो है वो भी करिकुलम में आता है। यानी कि ये सारा जो है करिकुलम में आता है, इसका भी करिकुलम एक बनता है। तो सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको पता ही है, लैंग्वेजेस आते हैं इसमें, लिटरेचर आता है, साइंस आता है, अर्थमेटिक्स आता है, सोशल साइंसेस आते हैं, इसी तरह हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन आता है, फिलॉसफी आती है, रिलीजन आता है और साइकोलॉजी आती है, ये तो सब्जेक्ट्स रहे। और है एक्टिविटीज़ एंड ऑक्यूपेशनस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, डांसिंग, म्यूजिक, क्राफ्ट वर्क, फार्मिंग जिसको कहते हैं हम खेती बाड़ी करना, इसी तरह गार्डनिंग जिसको कहते हैं कि बागबानी करना, फिर है एक्चुअल लिविंग एंड कम्युनिटी सर्विस, वो क्या है यानी कि इसमें आता है मॉरल्टी, अखलाकियात, इसी तरह इथिक्स जो है ये भी अखलाकियात का बिल्कुल स्टडी ऑफ
मॉरल वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स, इसको एथिक्स कहते हैं। इसी तरह थियोलॉजी दीनियात को कहते हैं। इसी तरह फिलैंथ्रोपी इंसान दोस्ती को कहते हैं। यानी कि ये सारा जो है इसका भी करिकुलम एक होता है, बेहतरीन करिकुलम होता है। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है इसने बिल्कुल एक कम्प्रिहेंसिव अंदाज में, एक जामे अंदाज में इस करिकुलम को बिल्कुल आप हमारे सामने रखा है। वो क्या है कि करिकुलम डज नॉट मीन एकेडमिक सब्जेक्ट्स टॉट इन ए स्कूल। अक्सर हम कहते हैं कि जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं स्कूल में, जो हम कोर्सेज पढ़ाते हैं, जो हम बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है वो पढ़ाते हैं, वही तो करिकुलम नहीं है। उसी से करिकुलम जो है हमारा, उसी से हमारी सोशल इंफॉर्मेशन, सोशल रिकन्स्ट्रक्शन उन्हीं चीज़ों से नहीं होती है। फिर क्या है, कुछ करिकुलम जो हिडन होते हैं, जो छुपे होते हैं, जो मुखफफ होते हैं, वो कैसे होते हैं हासिल, बट इट इज़ द सम टोटल ऑफ एक्सपीरियंसेस। ये वो तजुर्बात है अटेनड जो इंसान हासिल करता है थ्रू फॉर्मल लर्निंग। फॉर्मल लर्निंग कहते हैं कि स्कूल में यानी कि सब्जेक्ट्स पढ़ाते हुए, कोर्सेज पढ़ाते हुए, बहुत सारे प्रोग्राम्स पढ़ाते हुए। इसी तरह है नॉन फॉर्मल, जिसमें एक फासलाती तौर यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन जिसको कहते हैं, जिसको ओपन स्कूलिंग के ज़रिए से हासिल किया जाता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन को, या नॉन फॉर्मल लर्निंग को, यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन के ज़रिए से, ओपन स्कूलिंग के ज़रिए से, बहुत सारी चीज़ों के ज़रिए से नॉन। इसी तरह है इनफॉर्मल एजेंसी, यानी कि ये तीनों, फॉर्मल एजेंसी, नॉन फॉर्मल एजेंसी और इनफॉर्मल एजेंसी। इनफॉर्मल एजेंसी में हमारा, हमारी सारी कम्युनिटी आ जाती है, हमारी सारी सोसाइटी आती है, यानी कि लोगों के साथ उठना बैठना, ये सारा जो है इनफॉर्मल लर्निंग इसी में होती है। तो इंसान वो जो है वो हिडन करिकुलम होता है, यानी इंसान कहीं पर अच्छे आदात व अतवार सीखता है, उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, वहाँ पर कोई हम मेमोराइजेशन नहीं करते हैं, वहाँ पर कोई रेटिफिकेशन नहीं करते हैं। किसी का करेक्टर देखकर, किसी का कंडक्ट देखकर इंसान जो है पॉजिटिविटी भी सीखता है और नेगेटिविटी भी सीखता है। इसको हिडन करिकुलम कहते हैं, ये हिडन करिकुलम है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप खुश रहो, खुशहाल रहो।